हे दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनी स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। NHM नर्स भर्ती 2021, दोस्तों NHM की तरफ से बिल्कुल नई भर्ती लेकर आ चुका हूँ। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, सोशल वर्कर, इसके अलावा विभिन्न पदों पर दोस्तों भर्ती आ चुकी है। इसमें सैलरी 31,500 रुपये मिलने वाली है। दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी, 21 जुलाई तक आप सभी लोगों की ज्वाइनिंग होने वाली है। जी हां दोस्तों, आप लोग जो हैं 20 जुलाई 2021 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है आपको बता दें, सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑफिशियली अपडेट कर दी गई है। आपका रिटर्न एग्जाम कब होगा, आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगा, इसकी भी डेट यहाँ पे मेंशन की गई है इस नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों इस वीडियो में क्वालिफिकेशन के बारे में, जॉब लोकेशन के बारे में, सैलरी के बारे में और कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, रिटर्न एग्जाम कब आपका होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑफिशियली इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिल्कुल दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, छोटा सा वीडियो है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। अभी दोस्तों आप लोग देखिए, मैंने जो है नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से निकाली गई है। बेमेतरा दिनांक 2/7/2021, दोस्तों 2 जुलाई 2021 की डेट रखी गई है। और नोटिफिकेशन नंबर यहां पे देख सकते हैं, संविदा भर्ती 2021/768। तो दोस्तों आपको बता दें, 2 जुलाई 2021 को बेमेतरा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से वेरियस पोस्ट पर यह दोस्तों नोटिफिकेशन संविदा पर 31 मार्च 2022 के लिए निकाली गई है। तो दोस्तों संविदा पर यह भर्ती है और 31 मार्च 2022 तक आपको संविदा पर रखा जाएगा। और इसमें बोला जा रहा है कि जो भर्ती है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत है। और इसमें कैसे आप लोगों को आवेदन करना है, तो इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ स्वयं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ में उपस्थित होकर आवेदन कर सकती हैं। तो दोस्तों आपको जो है स्वयं जाके फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आप इस या आपने स्पीड पोस्ट किया रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या साधारण पोस्ट किया, तो आप लोगों का जो आवेदन है उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपके जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको स्वयं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ में उपस्थित होकर फॉर्म को अप्लाई करना है, आपको खुद जाके फॉर्म को अप्लाई करना है। तो इसे दोस्तों आप लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है, आपको जाके ही फॉर्म को अप्लाई करना है। नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें जो है पद का नाम दिया गया है, सैलरी के बारे में, वैकेंसी के बारे में, क्वालिफिकेशन और कैटेगरी अनुसार इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो नंबर 1 प्रोग्राम एसोसिएट PHEN 30,000 रुपये सैलरी है। एक वैकेंसी है जो कि UR कैटेगरी में है। और इसमें दोस्तों MSc नर्सिंग रेगुलर प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या BSc नर्सिंग रेगुलर प्लस 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों MSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग फॉर्म को अप्लाई करेंगे प्रोग्राम एसोसिएट के लिए। आगे देखते हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर साइकेट्रिक नर्स की वैकेंसी है, इसमें 31,500 रुपये सैलरी है। और एक वैकेंसी है जिसमें MSc साइकेट्रिक नर्सिंग या BSc नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सोशल वर्कर के लिए एक वैकेंसी 22,000 रुपये सैलरी है, इसमें MPhil साइकेट्रिक सोशल वर्क को प्राथमिकता दी जाएगी और मास्टर ऑफ सोशल वर्कर रेगुलर को भी प्राथमिकता दी जाएगी। आगे देखते हैं, टेक असिस्टेंट की वैकेंसी, एक वैकेंसी 15,000 रुपये सैलरी है, इसमें डिप्लोमा ट्रेनिंग वाले अप्लाई करेंगे। और नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है जिसमें 16,500 रुपये मिलेगी। और 3 वैकेंसी है और जिसमें एक पद विकलांग के लिए आरक्षित है, और इसमें BSc नर्सिंग अप्लाई करेंगे, GNM अप्लाई करेंगे, फ्रेशर अप्लाई करेंगे, बिना एक्सपीरियंस वाले जो है नर्सिंग ऑफिसर में अप्लाई करेंगे। फार्मासिस्ट को 16,500 रुपये सैलरी दी जाएगी, एक वैकेंसी है, इसमें दोस्तों डी फार्मा अप्लाई करेंगे, बी फार्मा अप्लाई करेंगे, फ्रेशर अप्लाई करेंगे, बिना एक्सपीरियंस वाले जो हैं दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट डेट दी गई है, जिसमें नंबर 1, 2, 3 जैसे कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और प्रोग्राम एसोसिएट, इसका जो है 13 जुलाई 2021 को प्रातः 11 बजे आप लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन होगा।
और 13 जुलाई को 11 बजे से लेकर शाम को चार बजे तक दस्तावेज सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और दोस्तों 16 जुलाई 2021 को 11:30 बजे जो है लिस्ट जारी की जाएगी, शॉर्ट लिस्ट जारी की जाएगी। और 12 बजे आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा या रिटर्न एग्ज़ाम होगा, इसके बाद जो है आप लोगों की ज्वाइनिंग दी जाएगी। आगे देखते हैं सोशल वर्कर और फार्मासिस्ट के लिए 14 जुलाई को आप लोगों का यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और 19 जुलाई को 11:30 बजे लिस्ट जारी की जाएगी और 19 जुलाई को 12 बजे आप लोगों का रिटर्न एग्ज़ाम होगा। उसी तरह से यहाँ पे जो टेक असिस्टेंट है इसका जो है 20 जुलाई को लिस्ट जारी की जाएगी और 20 जुलाई को ही 12 बजे आप लोगों का रिटर्न एग्ज़ाम होगा। और 15 जुलाई को जो है टेक असिस्टेंट के लिए रजिस्ट्रेशन होगा और दस्तावेज सत्यापन होगा। इसमें दोस्तों आपको बता दें, इसके बाद जो है आप लोगों की तुरंत ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और आगे बोला जा रहा है कि 1 से 10 नंबर जो कि कुल विज्ञापति पदों की संख्या अगर 1 से 10 है तो इसमें 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर की अगर 10 वैकेंसी है या 1 वैकेंसी है तो उससे के 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो एक अगर 1 वैकेंसी है तो 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, अगर 10 वैकेंसी है तो 100 लोगों को यहाँ पे जो है बुलाया जाएगा। अब जो जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उसको आप लोगों को अटैच करके फॉर्म के साथ जो है जाना है, डायरेक्ट आपको फॉर्म अप्लाई करना है बेमेतरा, क्योंकि यहाँ पे जाके आप लोगों को स्वयं उपस्थित होके फॉर्म को दोस्तों अप्लाई करना है। याद रखिए ये आपके लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए आपको जो है एप्लीकेशन फ़ीस देना है जो कि DD आपको बनवाना है। DD कितने रुपए का लगेगा तो आपको बता दें, जैसे कि 25,000 रुपये सैलरी है तो विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपये, OBC और महिला के लिए 200 रुपये, UR कैटेगरी के लिए 300 रुपये का दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस है, जो कि आप लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति बेमेतरा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी बेमेतरा के नाम से जारी डिमांड ड्राफ्ट बनाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बिना आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और ऊपर दोस्तों आप लोगों का कैसे सिलेक्शन होगा इसकी भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि शैक्षिक योग्यता का 65% लिया जाएगा, अनुभव का 10 या 15 अंक लिए जाएंगे। और जो आपकी यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम हो सकता है या आप लोगों का जो है यहाँ पे इंटरव्यू होगा, तो हो सकता है कि आप लोगों का रिटर्न एग्ज़ाम होगा 30 नंबर का और 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, बाकी आप लोग अच्छे से यहाँ पे दोस्तों चेक कर लेना। नीचे दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से फिल करिए और जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका यहाँ पे पदनाम दीजिए और नीचे अपना नेम, इंग्लिश या हिंदी जो भी है, और इसमें दोस्तों फ़ोटो अटैच करना है और ऊपर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसको इसके साथ अटैच करके फॉर्म को अप्लाई करना है। DD के साथ ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिए। और इसमें दोस्तों आपकी जो एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2021 को काउंट की जाएगी, ऑफिशियली वेबसाइट जो है यहाँ पे दिया गया है। साथ ही दोस्तों 31 मार्च 2022 तक संविदा पर यह भर्ती ऑफिशियली निकाली गई है। तो दोस्तों कोई भी मिस्टेक हो गई है, कोई गलती है तो उसे माफ़ करना। तो आप लोग जो है इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिए। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो, यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखिए मैंने जो है ऑफिशियली वेबसाइट भी ओपन कर रखी है। यह दोस्तों ऑफिशियली वेबसाइट है जिला बेमेतरा, और इसमें जो है नीचे देखिए जैसे कि जो 3 डॉट दिख रही है यहाँ पे जो है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, नोटिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। तो होम, नोटिस और रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन दिया गया है सोशल वर्कर, नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। नीचे देखिए 2/7/2021 2 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे। इसमें 2 MB का PDF है, इसे आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लो।